अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ एहसन इसहाक। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, शेख रशीद का बड़ा खड़ाक, लाल हवेली समेत अपनी सारी जायदाद किसको तोहफे में दे दी, नाम जानकर आपको भी हैरत का झटका लगेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने अपनी सारी जायदाद यूनिवर्सिटी के नाम करने का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रावलपिंडी में हस्पताल के लिए 1 अरब रुपये दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि इक्तदार आनी जानी चीज़ है, 7 मरतबा हुकूमत में रहा, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में डिलीवर नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना है कि इमरान खान 27 अप्रैल को ML1 पर दस्तखत करने जा रहे हैं। ML1 पर दस्तखत हो गए तो 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, 1.5 लाख लोगों को रोज़गार ना दे सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि यकीनन महंगाई हुई है, लेकिन उम्मीद रखें सब बेहतर होगा, बिजली गैस महंगाई यकीन करें इन हालात से जल्द निकल जाएंगे। चोर डाकुओं और लुटेरों ने बहुत लूटा है। शेख रशीद का कहना था कि उस्मान बुज़दार पहले अवामी वज़ीर आला हैं जो ट्रेन पर रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी में गर्ल्स कॉलेज के लिए मेरी ज़िंदगी के 14 साल लग गए। रावलपिंडी में जल्द नर्सिंग अस्पताल भी बनाएंगे। शेख रशीद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अपनी सारी जिंदगी और जायदाद यूनिवर्सिटी के नाम करता हूं। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के लिए रेलवे ने 1 अरब रुपए दिए।